ट्रैकिंग ट्रिप मजा आया या नहीं? बहुत मजा आया, लेकिन यार ये ट्रैकिंग पे इतना चलना क्यों पड़ता है? मेरे तो पैर ही टूट गए। अबे ट्रैकिंग करना इतना सिंपल नहीं, बहुत मुश्किल का काम है। हाँ बिल्कुल, मेहनत तो बहुत लगी लेकिन मजा भी उतना ही आया। अरे बंटी, आज तेरे साथ ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई फंटी है। मेरा नाम है यूयू बंटी, बजा दूंगा सबके घंटी, आज मैं भी भूत वाली स्टोरी सुनूंगा। अरे पगले, तू अभी छोटा है, डर जाएगा अगर हमारी खतरनाक स्टोरी सुनेगा तो। मैं नहीं डरता भूत से, मैंने तो भूत की पिटाई करी है, चल फेंकू। बंटी तू इसको छोड़ और कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना। स्टोरी नहीं, आज मैं एक असली किस्सा सुनाऊंगा जो मेरे मामा के साथ हुआ था। बबलू मामा? हाँ बबलू मामा। जल्दी सुना बंटी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है तेरा किस्सा सुनने के लिए। आज से 4 साल पहले की बात है, मेरे मामा देर रात अपनी कार से जा रहे थे। उस रात बहुत जोर से तूफान आ रहा था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाप रे बाप, इतना भयंकर तूफान! ऐसा तूफान तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हे भगवान, बस मैं और मेरी गाड़ी दोनों सही सलामत घर पहुंच जाए। अरे इतने भयानक तूफान में ये कौन बीच सड़क पे खड़ा है? मैडम, इतने भयंकर तूफान में आप कहाँ बीच रोड पे खड़ी है, क्या कर रही है मैडम? मेरी कार खराब हो गई है और मुझे लिफ्ट भी नहीं मिल रही। आपकी कार? लेकिन मैडम आपकी कार तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो मेरी गाड़ी पीछे रह गई, मैं बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ। अरे मैडम, इतना भयंकर तूफान है, कैसे घर जाओगी आप? आओ मैं छोड़ दूँ आपको। थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम निशा है, मेरा घर बस थोड़ा ही आगे है। मैडम इतने भयानक तूफान में और इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं? अरे बस घर का कुछ सामान लेने गई थी। बस यार अब बाकी कहानी कल, मुझे नींद आ रही है। अरे बंटी ऐसा मत कर यार, कहानी पूरी सुना। ओफो, सोने मत देना मुझे। चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर में मेरे मामा उस लेडी के घर पहुंच गए। बस बस यही रोक दीजिए, वो अगला वाला घर मेरा ही है। थैंक यू वेरी मच, अगर आज आप मेरी हेल्प नहीं करते तो पता नहीं मैं घर कैसे पहुंच पाती। अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, बल्कि इतने तूफान में आपने मेरा साथ दिया उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और अब फिर इस भयंकर तूफान में मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा। अरे निशा जी तो अपना शॉल यहीं छोड़ गई, अब नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, कल सुबह ही उनको वापस करके आऊंगा। अरे इतने भयंकर तूफान में इतनी देर तक कहाँ रह गए थे, क्या कर रहे थे? अरे तुम तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहा करो, एक तो इतना भयंकर तूफान और ऊपर से आज इतना अजीब किस्सा हुआ। फिर मामा ने वो सारी बात मामी को बताई। अगले दिन सुबह उठकर जब मामा उस लेडी के घर शॉल वापस करने गए, तब जो हुआ वो सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यार बंटी जरा जल्दी जल्दी सुना, इतनी ड्रामेबाजी क्यों कर रहा है? अरे सुना तो रहा हूँ। कौन? नमस्ते माँ जी, निशा जी से मिलना था। क्या निशा से काम था तुम्हें? वो कल रात मैंने उनको घर छोड़ा था ना, तो उनकी शॉल मेरी गाड़ी में रह गई थी, बस वही वापस करने आया था। अरे क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे, निशा तो 4 साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मर चुकी है। तो फिर माँ जी वो कौन थी जिसको मैंने कल लिफ्ट दी थी, और ये शॉल किसका है? ये शॉल तो निशा का ही है, पर तुम्हारे पास कैसे आया? माँ जी आप पहले मुझे निशा जी की कोई फोटो दिखाओ, क्या पता मुझे कोई गलत फहमी हुई हो। हाँ
जी कैसे हो सकता है, कल इन्हीं को तो मैंने घर छोड़ा था। सुबह सुबह क्यों इस बुढ़िया से मजाक करने आ गए बेटा? मामा ने पूरी बात घर आके मामी को बताई, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। मेरे मामा आज तक उस रास्ते से जाने से डरते हैं। शायद उस दिन उन्हें उस रास्ते पर एक भूतनी मिली थी। चल बे बंटी, तू झूठ बोल रहा है, मैं नहीं मानता ये सब बातें। हाँ सनी, मेरे चाचा ने भी एक बार भूत देखा था। ये भूत हमेशा चाचा और मामा को ही क्यों मिलते हैं, कभी हमें क्यों नहीं मिलते? बड़ा हीरो बनता है वे सनी। कल रात को तू और मैं उसी रास्ते से जाएंगे, फिर देखते हैं। अरे यार कल नहीं, कल तो मुझे कुछ जरूरी काम है। हा, निकल गई ना सारी हीरो बनती।